नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन जीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। खुटार पुलिस ने कल हुए हत्याकांड का 24 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने हत्यारे बेटे, बहू और बहू के प्रेमी को किया गिरफ्तार। बेटे ने ही रची थी अपने पिता की हत्या की साजिश। कलान तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी और SP। 144 फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे, 9 शिकायतों का कराया गया मौके पर निस्तारण। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को दिए गए निर्देश। निगोही पुलिस ने 50,000 के फर्जी लूट की सूचना देने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बरी लालपुर के रहने वाले रामकिशोर को किया गिरफ्तार। युवक ने 50,000 की लूट की दी थी झूठी सूचना। और झांसी में हुई नवजात शिशुओं की मौत के बाद शाहजहांपुर मेडिकल प्रशासन अलर्ट पर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने नवजात शिशुओं संघ इकाई वार्ड का किया निरीक्षण। संबंधित को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। तो ये थी दिन भर की हेडलाइन और उसके बाद में अब दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खुटार थाना पुलिस ने कल हुए हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रोतापुर कला गांव के रहने वाले राम सेवक की हत्या के मामले में उनके बेटे, बहू और बहू के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी जमीन अपनी बेटी को देना चाह रहा था, जिसके चलते बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलान तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश S मौजूद रहे। यहां 144 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए दोनों ही अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों को नकली खाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। झांसी में हुई नवजात शिशुओं की मौत के बाद शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार और CMS नेपाल सिंह ने नवजात शिशु संघ इकाई वार्ड का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। वार्ड में आज 16 नवजात शिशु भर्ती मिले, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वार्मर में रखा गया है। प्रिंसिपल राजेश कुमार का कहना है कि बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण वार्ड में आग से निपटने की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज बुआया के राजीव चौक पर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी। आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नारकोटिक्स की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। यहां अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर जानकारी ली गई। इस दौरान बताया गया कि जिले में कहीं भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री ना हो, अवैध शराब बनाने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुआया में भी आज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस पर SDM संजय पांडे, CEO निष्ठा उपाध्याय और तहसीलदार अरुण सोनकर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए। निगोही पुलिस ने 50,000 रुपए की फर्जी लूट की सूचना देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बरी लालपुर के रहने वाले रामकिशोर ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के ही रहने वाले पुनीत ने उसके 50,000 रुपए लूट लिए थे। जांच में शिकायत झूठी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले रामकिशोर के खिलाफ कार्रवाई की है। भारतीय किसान यूनियन ने एक ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी के नाम से जलालाबाद प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन के जरिए किसानों को जल्द से जल्द DAP खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा DAP की कालाबाजारी रोकने की भी मांग की गई। ज्ञापन में मछली पालन करने वाले किसानों को मिलने वाले अनुदान को तत्काल जारी करने की मांग की गई।